वल्ला सब्जी मंडी अमृतसर में सैनिटाइज रूम बनाया गया। अब मंडी में प्रवेश करने वाले हर एक व्यक्ति को उस रूम से गुजरना होगा। प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के चलते वल्ला मंडी में सैनिटाइज रूम बनाना एक सराहनीय कदम है, लेकिन वल्ला सब्जी मंडी के लोगों अनुसार मंडी चारों ओर से खुली होने के कारण आसपास के झोपड़पट्टी व अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग ज्यादा संख्या में आकर भीड़ कर देते हैं, जो कोरोना वायरस के चलते खतरनाक है। प्रशासन को मंडी में प्रवेश करने वाली जगहों को भी बंद करने का प्रबंध करना चाहिए, ताकि एक ही रास्ते से लोग आ जा सके। सर ऐसी गल नहीं की कोरोना वायरस की तो बहुत ज्यादा दहशत इतनी ज्यादा है कि जो व्यापारी मंडी खोल के राजी नहीं, पर मानयोग डीसी साहब जाना प्रशासन सारा उन्हां दी मजबूरी है कि वह कहते अं शहर हर चीज़ ताज़ी खाने को देनी है। सारे लोगों का ध्यान रखना बिल्कुल प्रशासन की जिम्मेवारी है, उन्हें साडा भी ख्याल रखना। साड़ी बेनती है कि मंडी जी है ना घट तो घट खोली जाए थोड़े दिन लिए, तो जे अगर थोड़े ज़्यादा टाइम लिए खोलेगी तो मंडी से रश घट जाएगा। हूँ वो फिर लोग सारी बेरोजगार दुनिया हो गई है, इस करके हर बंदा सोचता जिन्हें 2 किलो सब्जी लेनी आ बाहर रेट सब्जी का बहुत ज़्यादा तेज़ आ जी परचून की तकड़ी है, इतने बहुत मंदा उस करके भी हर बंदा जोड़ा जिन्हें थोड़ी लैनी ज़्यादा लैनी लोग भुल जाते हैं कि यही साढ़े लिए नुकसान आ, पर मंडी जान के आप भी आते अपना भी नुकसान करते भीड़ के साडा भी। प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई गलबात नहीं की? नहीं अधिकारी थी जी मानयोग डीसी साहब SDM साहब करीब रोज़ DC साहब आए मौका देखा नाल ADC साहब जी पूरा प्रशासन आ रहा साढ़े को खुद मंडी से देख गया है पुलिस के सारे अफसर साहब भी आते हैं, पर मजबूरी है भी एक यदि चारदवारी नहीं हैगी। सब तो वड्डी प्रॉब्लम मंडी की चारदवारी नहीं, गेट कोई नहीं, ये चार सवेरों खुली आ मुलाजम एक बने रोक दे तो 2 दूजे बने आ जाते हैं, दूजा एक लागे इतने झुग्गियां झग्गियां का बहुत ज़्यादा जोड़े वो तुम देखते हो गए इतने बहुत जाने बच्चे जनानियाँ कोई मंडी से 1000 बंदा वही मंडी बेवजूल घूमी फिरता वा खुली होने करके घूमी जाते हैं, इतने बार बार आते हैं कभी लैना देना उन्हें कुछ नहीं हों, इस करके प्रशासन को यही मंग करा कि मंडी जी हूँ शनि एतवार बंद आ, जे एक अद्धा दिन होर भी बंद रह सके घट तो घट मंडी खोली जाए, ये थोड़े बंदे आन मंडी तो वो सौदा लै लें तो अभी भी सेफ रहिए ये भी सेफ रहें। किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है? देखो जी कंट्रोल तो असं तो अपने आप को कर लेंगे, अं दूर भी रखते हैं, पर हूँ जो गाह गया वो नहीं इन्नी गल समझता, ये घट पढ़े लिखे लोग होंगे ये देखते नहीं भी अं दूरी बना के रखनी है साढ़े सेहत लिए की आ, वो बिल्कुल अलग अलग आन के गल करते कि नहीं यार पिछले हट गए लोग अपना मूँह टक, प्रशासन भी मास्क वगैरह बंटता, असी भी 2 दिन पहले असी खुद सारी मंडी जी सैनिटाइज की अपने जोड़े दवाई दवाई कारपोरेशन ने दी सी अपने पंप मंगाए सारी मंडी की, पर जी आने वाले लोग इन्हों तो असी नहीं कर सकते, तो साड़ी तो बेनती सरकार कड़ी यही है भी सब वो तो वे मंडी के कोई ज़्यादा नहीं तो 50-30 लाख बंदा अमृतसर का सब्जी पानी खाता साढ़े नाल उन्हों की भी सेफ्टी है, अगर कोई कल खुदा का खासा कोई गल यहोजी हो जाएगी तो बहुत वही प्रॉब्लम आ जाएगी अमृतसर वास्ते और प्रशासन वास्ते। मंडी सब्जी प्रॉपर आ रही? मंडी सब्जी बहुत आ रही है जी, डिमांड घट आ माल ज़्यादा आ रहा, कोई रेट भी इन्ना ज़्यादा नहीं, तुम देखते दे जाए प्याज असी 13 तो लै गए 15 रुपए किलो प्याज विकता पाया वा, ठीक है बाहर की भाव विकता असी उ असी अपने इतने देखते हैं, खीरा विकता पाया 10 रुपए किलो, गोभी विकती भी 10-7-8-10 रुपए किलो, हर सब्जी मंदी इतने टमाटर वो भी समझ लो 10-12-13 रुपए किलो विकता पाया इतने, तो असी तो यही प्रशासन को मंग करते हैं कि मंडी घट तो घट खोली जाए, साडे भी सेहत का ख्याल रखा जाए तो लोगों का भी नाल शहर बसके का भी ख्याल रखा।